हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं तुगईतड़ रेलवे स्टेशन का। तुगईतड़ रेलवे स्टेशन जो है खंडवा से अकोला के मध्य जो गेज परिवर्तन का कार्य चल रहा है, यहाँ पर ये एमपी का लास्ट स्टेशन है जो कि बुरहानपुर ज़िले में आता है। दोस्तों, पहले इस स्टेशन में सिर्फ दो लाइन थी मीटर गेज के समय, अब जो ये नया स्टेशन के रूप में इसको परिवर्तित किया जाएगा तो यहाँ पर दो लूप लाइन और एक मेन लाइन बनेगी और दो प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप मीटर के समय का तुगईतड़ रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ पर रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए हैं और बहुत जल्द यहाँ पर गेज परिवर्तन का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अभी गेज परिवर्तन कार्य के लिए जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन्स लगती है वो अभी रेलवे स्टेशन के पास ला दी गई है। दोस्तों, जो हमारा गेज परिवर्तन का कार्य है खंडवा से अकोला के मध्य का, इसको तीन टुकड़ों में किया जा रहा था कम्प्लीट। इसमें कि पहला टुकड़ा था आकोट से अकोला तक का, वहाँ पर ट्रेनों का संचालन स्टार्ट है। दूसरा है हमारा खंडवा से अमलापुर तक का, इसमें रेलवे ट्रैक बिछा दिए गए हैं। और ये जो तीसरा चरण है आकोट से अमलापुर तक का, इसी के मध्य में ये हमारा तुगईतड़ रेलवे स्टेशन आता है। और अभी यहाँ पर भूमि अधिग्रहण इत्यादि की प्रोसेस चालू है। और दोस्तों, अभी जो न्यू रेलवे ट्रैक डाला जाएगा, डाइवर्टेड रेलवे ट्रैक, वो यहीं के समीप से डाला जाएगा। तुगईतड़ से वो डाइवर्ट होकर जाएगा। दोस्तों, तुगईतड़ से नया वाला रूट जो है वो डाइवर्टेड होगा, जो अलाइनमेंट नया बनेगा, और आगे जाके अडगांव बुजुर्ग तक ये डाइवर्टेड रूट पर रहेगा, जिससे कि इस पूरे रास्ते की दूरी अकोला से खंडवा की पुराने अलाइनमेंट से जोड़े दें हम तो 30 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि खंडवा से अकोला तक का जो सफ़र है वो लगभग 205-210 किलोमीटर का हो जाएगा। दोस्तों, ये जो तुगईतड़ से नया अलाइनमेंट बनेगा जो कि डाइवर्टेड रूट है, इस पर एक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जाएगी और इसी के साथ ही नए 6 स्टेशनों का निर्माण भी किया जाएगा। दोस्तों, जिस हिसाब से पूरा कार्य हुआ है खंडवा से अकोला के मध्य जो दो चरण है, यानी खंडवा से गुड़ी तक, अमलापुर तक और आकोट से अकोला तक, तो उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये वाला जो चरण बचा है हमारा आकोट से अमलापुर तक का, ये लगभग 2-3 साल में पूरा कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि फिर खंडवा से अकोला जाना आसान हो सके। सो यह था आज का वीडियो। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये छोटी सी कवरेज। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए।